धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 7 से 11 दिसंबर तक सरकार धर्मशाला में रहेगी। सत्र के तैयारियों की समीक्षा हेतु तपोवन विधानसभा भवन में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने की। बैठक में जिला स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें सत्र को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे, जबकि 1 गैर सरकारी दिवस होगा। सत्र के दौरान सभी विधायक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र भी मानसून सत्र की तरह अच्छा रहेगा। परमार ने अधिकारियों से बैठक के दौरान सत्र के दौरान कोरोना से सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कोविड टेस्ट, रहने की व्यवस्था और लोग किस तरह आएंगे, इन विषयों पर चर्चा की। परमार ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना और 2 गज की दूरी जरूरी है। इसके अलावा संभव हो तो हाथों को बार बार धोते रहें। परमार ने कहा कि शिमला में होने वाले सत्र के दौरान 2000 के लगभग लोगों की सेवाएं रहती हैं, जिनमें कटौती करके इस बार 400 तक पहुंचाया जाएगा। सत्र के दौरान सरकारी तंत्र को कम करने का प्रयास किया जाएगा। सत्र के चलते विधानसभा भवन में आइसोलेशन रूम और कोविड टेस्ट की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाएगी। सुबह व शाम को विधानसभा भवन को सैनिटाइज किया जाएगा। 30 नवंबर को फिर से सत्र की तैयारियों की रिव्यू मीटिंग होगी। आज यहां इस तपोवन में जो हमारा विधानसभा है, यहां पर अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है। आपकी जानकारी के लिए शीतकालीन सत्र 7 तारीख से शुरू हो रहा है और ये सत्र 11 तारीख तक चलने वाला है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 5 जो हमारे कार्य दिवस हैं, इसमें से 1 गैर सरकारी कार्य दिवस है और 4 हमारे सरकारी कार्य दिवस हैं। इस शीतकालीन सत्र के समय बहुत सी महत्वपूर्ण चर्चाएं होने वाली हैं। यहाँ पर माननीय विधायकों के द्वारा विभिन्न विषयों को लेकर के प्रश्न किए जाने हैं, उसको लेकर के यहाँ पर आज एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधीश व जिला के तमाम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। वर्तमान समय में जो ये सत्र धर्मशाला में हो रहा है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सामान्यता जब कोविड कोरोना नहीं था तब सत्र होते थे, इसीलिए हमने मानसून का 10 कार्य दिवस के रूप में सत्र का आयोजन शिमला में किया था। तो उसी तर्ज पर ये सत्र अच्छा हो, बढ़िया हो और धर्मशाला में पूरी सरकार 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक आएगी, यानी हम संक्रमण या कोरोना से भी सुरक्षित रहें, ऐसे अलग अलग विषयों के ऊपर यहाँ इस बैठक में चर्चा हुई है। यही मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे यहाँ पर कोविड की या उनकी रैपिड टेस्ट की बात हो, चाहे यहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ पर जो लोग मिलने वाले आते हैं वो किस रूप में यहाँ पर आएंगे, उसको लेकर के चर्चा इस बैठक में हुई है। तो कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार ने और विधानसभा ने जो तिथियां तय की थी उसके अनुसार कैबिनेट में उसको मंजूरी मिली, माननीय राज्यपाल जी ने उस पर मोहर लगाई, उसकी अधिसूचना आज की तारीख में होने वाली है, यानी 7 तारीख से पूरी सरकार कांगड़ा में और इस तपोवन में 5 दिनों के लिए रहने वाली है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारी जर्नल अपील रहती है कि हम कोरोना से अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मास्क लगा करके रखें। दूसरा हमारा ये कहना है कि हम बड़ा कोई जन समूह ना बना लें, हम
कुछ दूरी पर रहें, दो गज की दूरी की बात आती है। और तीसरा हमारा कहना ये है कि हम हाथों को बार बार धोएं, क्योंकि इस बीमारी का कोई ना इलाज है, ना इसकी कोई दवाई है, ना इसका कोई वैक्सीन है। जो अपील बार बार हम लोगों को कर रहे हैं, और दूसरा हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस परिसर में या जहां पर विधानसभा का सत्र लगता है वहां पर उपस्थिति उन लोगों की कम रहे जो लोग इस विधानसभा सत्र को चलाने के लिए सरकार का सहयोग करते हैं।